नरसिंहपुर से लेकर गोटेगांव शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में व्याप्त अनियमितताओं तथा पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों की मनमर्जी के मुताबिक तथा लापरवाही के चलते आए दिन किसी न किसी व्यक्ति मरीज की वहां पर जान जा रही है। पिछले माह एक जच्चे बच्चे की जान चली गई थी, अभी कुछ दिन पूर्व एक और वहां पर जान गई है, जिसके चलते आसपास के क्षेत्रवासियों में काफी आक्रोश की भावना व्याप्त है और उनकी मांग है कि इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो पदस्थ अधिकारी कर्मचारी हैं उन पर शीघ्र ही दोषियों पर कार्रवाई की जाए। इस पूरे मामले को लेकर बीच में गोटेगांव की एसडीएम वहां पर पहुंची भी थी और उन्होंने कुछ जांच भी की थी। वह पूरी जांच रिपोर्ट उन्होंने टीएल बैठक में कलेक्टर को सौंपी है। वहीं इस पूरे मामले में जब हमने कलेक्टर से बातचीत की तो उनका कहना है कि जांच आने के बाद ही कोई कार्रवाई होगी। बहरहाल देखना यह है कि अब इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई होती है या नहीं, या फिर यूं ही गोटेगांव में आए दिन मरीजों की जान जाती रहेगी और जनप्रतिनिधि तथा अधिकारी कर्मचारी कुर्सी पर बैठे बैठे यह सब खेल देखते रहेंगे। और स्वास्थ्य विभाग के मामले में बीएमओ पर गंभीर आरोप लगे थे, उस पर भी कुछ जांच वगैरह आई थी, किस तरीके की जांच? उसमें टीएन में लंबित था तो टीएन की रिपोर्ट हमने कलेक्टर मैडम को प्रेषित कर दी गई है, वहीं से कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है मैम, इनके बीएमओ पर जो आरोप लगे हैं वो कहीं ना कहीं समझ में कुछ आते हैं कि गड़बड़ी पाई गई? नहीं, वो वरिष्ठों के उस पर निर्णय लेने का अधिकार है, हम नहीं ले सकते अभी, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग है वो जा चुकी है।